world's largest publisher of Hindu mythological books, Gita Press, has revived its glory after a long phase of plight in its economic condition in terms of sales and publications. The publications has long been absent from social media and other platforms due to which its popularity was declining. However, the administration has come up with ideas to renew and revive its lost glory by adopting new technology and means. According to its trustee, Devi Dayal Agarwal, the press has bought a machine worth Rs 11.5 crore from Germany and another worth Rs 2.6 crore. समय के हिसाब से गीता प्रेस निरंतर आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाते हुए आज इस जगह पर पहुंची है जो वर्तमान में नई से नई टेक्नोलॉजी है उसको हम अपने यहाँ समायोजित कर रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी रिसेंट साल भर के अंदर एक बाइंडिंग मशीन जो जर्मनी से आयात की गई है जो लगभग 11.5 करोड़ के जिसकी लागत है एवं वर्तमान में एक मशीन जापान से आयात की गई है जो 4 कलर प्रिंटिंग मशीन है जिसके कारण से हमारी चित्रों की क्वालिटी काफ़ी सुधार होने की हमें गुंजाइश लगती है और आगे आगे जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम गीता प्रेस को वर्तमान टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सेटिस्फैक्ट्री है गीता प्रेस की सुविधाएँ, सैलरी ओली में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड एवरी एम्प्लॉय इज वेरी सेटिस्फाइड एंड वी आर प्रोग्रेसिंग विद द टाइम और हर तरह का अपडेटेशन, हर तरह का मॉडिफिकेशन यहाँ टाइम टू टाइम किया जा रहा है। इससे हमारे किताब की एक तो क्वालिटी, क्योंकि हम रिलीजियस उसके लिए काम करते हैं और वर्ल्ड वाइड हमारा किताब जाता है, यहाँ की बेस्ट प्रिंटिंग मशीनें बेस्ट हैं, बाइंडिंग सिस्टम भी फुल्ली ऑटोमेटिक है और हमारे किताबों की डिमांड भी डे बाई डे बढ़ती जा रही है और टोटल ये काम धार्मिक उसके लिए किया जा रहा है। गोरखपुर तो ओनली प्लेस जहाँ से हमारी गीता और रामायण ये यहाँ छापी जाती है। इन इट्स प्रेजेंट टाइम द प्रेस पब्लिशेस 50 to 60 thousands of books every day in more than 15 languages worldwide.